कि कैसे आप अपने दुपट्टा स्कार्फ साड़ी को यूज करके इस तरह की एक प्यारी सी टॉप बना सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये एक बहुत ही पतला सा रेयॉन का दुपट्टा लिया है। इसके नीचे की साइड में जो है इस तरह की कुछ डिज़ाइन दे रखी है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस डिज़ाइन को काट करके अलग कर दूँगी। ये मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है एंड देन ये वाले डिज़ाइन को मैं काट के अलग कर दूँगी। यहाँ से दोनों पीसेस को अलग कर दूँगी। ओके, नाउ इन दोनों को मैंने अलग कर दिया है दोनों साइड से। अब हमारे पास में ये जो पीस है इसको भी बीच में से काट करके अलग कर दूंगी, तो हमारे पास में दो पीस आ जाएंगे। तो चलिए इसे मैं कट कर देती हूँ। इसे मैंने अलग कर दिया है, ये दो पीस आ गए हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक जैसे दोनों को एक ऊपर एक के ऊपर रख करके फिर यहाँ पर अपनी कोई सी भी पुरानी सी टॉप ले लेंगे, उसको इसके ऊपर रख देंगे एंड देन उसके बाद में इसके साइड वाले जो दोनों हिस्से हैं वहाँ से हम अपने फिटिंग का माप करेंगे। मैं इससे थोड़ी सी दूरी लाइन बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढीला ही चाहिए। सेम उस साइड पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से हम दो सिंगल स्टिच लेंगे और जो साइड वाले हिस्से हैं उनको हम फोल्ड कर देंगे। चलिए अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से हम नेक को ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से मैं इन दोनों पीसेस को मिलाती हूँ, फिर इसका मार्क कर देती हूँ जो हमने मार्क किया था वहाँ पे। इससे पहले नाप लेती हूँ कितना है, ये 9 इंच का है। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। इसे फोल्ड करके मैं इसको कट कर दूंगी ताकि हमारा नेक बन जाएगा। नेक का शेप दे करके इसे मैं कट कर दूंगी। तो चलो इसे कट कर देते हैं। निशान लगाए हैं वहाँ पर हम सिंगल स्टिच। नाउ हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया है और साइड के जो सिरे थे वहाँ उनको भी मैंने फोल्ड करके अंदर की तरफ से उनको सिलाई लगा करके जोड़ दिया है। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक वाला एरिया है वहाँ पर हमने ये जो नीचे वाला डिज़ाइन हमने कट किया था उसे हम नेक वाले एरिया के ऊपर लगाएंगे। तो या तो हम इसको छोटी छोटी सी चुनरी लेकर लगा दे या फिर एक सिंगल स्टिच इसके ऊपर लगा देंगे और फिर धागे को खींचते हुए चुनरी लगा करके फिर इसे लगा देंगे। इस तरीके से लगा सकते हैं, इसके ऊपर हमें लगाना है और फिर इसको इस तरह से वो फोल्ड कर दूंगी मैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक सिंगल स्टिच लगा देती हूँ। ये मैंने लगा दी है। अब मैं सिंगल धागे को इस तरीके से खींचूंगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सिलवटें आ रही है। अब इसको मैं इतना रखूंगी
कि ये हमारे नेक पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है और बहुत प्यारा लगेगा ये टॉप। देखिए इसे मैंने बना दिया है, अब इसको मैं हमारे नेक के ऊपर रखूँगी। जितने में ये पूरा आ जाए उतना इसे रखूँगी। इसे मैं नेक से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगी, तकरीबन आधा इंच, ताकि जो ऊपर वाली पट्टी होगी उसे मैं मोड़ सकूँ अच्छे से। सेम दूसरे वाले हिस्से को भी ऐसे ही करना है हमें। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जोड़ना है मुझे, तो इसे थोड़ा सा दूर ही जोड़ूंगी। इस तरीके से इसे मैं फोल्ड करूँगी तो ये नेक की फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें करना है, पूरे नेक में हमें ऐसे ही करना है। दूसरी वाली पीछे वाली साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। नाउ आई कैन सी कि मैंने पूरा नेक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ये अंदर की तरफ से। ये देखिए पीछे वाला ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर को जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसे उल्टा कर देंगे इस तरीके से। फिर ये जो चारों हिस्से हैं इन्हें पकड़ेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये पीछे वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है उसे मैं छोड़ दूँगी, सिर्फ 2 इंच जितना ही मैं इसे सिलाई लगाऊँगी। इनको अच्छे से पकड़ करके यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। सिर्फ 2 इंच जितना ही मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊँगी, बाकी का हिस्सा मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ओके नाउ सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड भी करना है। ये देखिए इसे भी उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। कितना सिंपल है, कोई भी बना सकता है इसको। आप हैंड स्टिच करके भी इसे बना सकते हो। इस पे सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा टॉप कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमारे हाथ अंदर जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लगेगा, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।